जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL साउथर्न रीजन अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप पहले इस भर्ती के बारे में शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन जान लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पर जो आपका पोस्ट नेम है वो अप्रेंटिस है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर आपकी 248 है। जॉब लोकेशन आपकी ये रहने वाली जो कि आप यहाँ पर अभी वीडियो में देख पा रहे हो। और इसमें आवेदन करने के लिए आपसे 10वीं प्लस ITI की योग्यता मांगी है। ITI आपकी उसी ट्रेड में होनी चाहिए जिस ट्रेड में आप आवेदन करना चाहते हो। एज लिमिट यहाँ पर आपकी 18 से 24 साल के बीच रखी गई है। और इसके अलावा आपको SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट और OBC को 3 साल की छूट आई सीमा के अंदर दी जाएगी। सैलरी के लिए दोस्तों आपको उसका एडवर्टाइजमेंट चेक करना होगा क्योंकि वहीं पर आप जानकारी अच्छे से समझ पाओगे। सिलेक्शन आपका रिटर्न टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। एप्लीकेशन फीस इसमें कोई नहीं है यानी कि फ्री में आवेदन आप लोग कर पाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट IOCL.com है और स्टार्टिंग डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म आपकी 13 जनवरी 2020 है यानी कि आज से इसमें फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म आपकी 27 जनवरी 2020 रखी गई है। ऑनलाइन टेस्ट डेट यहां पर आपकी 9 फरवरी 2020 की डेट दी गई है। अब दोस्तों आप नीचे यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक देख पा रहे हो। अगर आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हो तो इस लिंक से आप इसको ओपन करके यहाँ पर सभी जानकारी अच्छे से चेक कर सकते हो, जिसमें कि आप एग्जैक्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन साथ ही किस पोस्ट में किस स्टेट के लिए कितने पद निकाले हैं ये जानकारी आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो। तो चलिए अब यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक कर लीजिए और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी जहाँ पर आप इंपॉर्टेंट डेट्स और कुछ जरूरी जानकारी चेक कर पा रहे हो। और जैसा कि अभी इसमें हमें आवेदन करना है तो आपको आवेदन करने के लिए यहां पर अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और आपके सामने एक न्यू इंटरफेस आ जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार का होगा जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। यहाँ पर सबसे पहले दिया जा रहा है डिसिप्लिन अप्लाइड फॉर यानी कि आप किस डिसिप्लिन के लिए आवेदन कर रहे हो, तो आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हो स्टेट अप्लाइड फॉर यानी कि आप किस स्टेट के लिए आवेदन कर रहे हो। तो चलिए यहाँ से मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है एप्लीकेंट नेम यानी कि आपका क्या नाम है, वो यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम देना होगा। इसके बाद आपको नीचे देखने को मिल रहा है फादर नेम, यहाँ पर अब आपको अपने पिताजी का नाम दे देना है। और ये जो आपका और आपके पिताजी का नाम है ये आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी है। आपको यहाँ से अपना पहले बर्थ ईयर चूज करना है जैसे कि मैं यहाँ से आपको सिलेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ से आपको डे सिलेक्ट करना है और जो आपका मंथ है वो आप यहाँ पर चेक कर पा रहे हो जैसे कि आपने यहाँ पर चेक किया। तो इस प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर जो भी आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब आता है रिलीजन यानी कि आपका रिलीजन क्या है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। अभी ये आपको सिलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आपको नीचे आना है और आप देखोगे कैटेगरी, आपकी जो भी कैटेगरी है वहाँ से वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आधार नंबर जो कि ज़रूरी है और ये आपको देना ही होगा। तो यहाँ पर आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आता है पैन कार्ड नंबर, तो यहाँ पर आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया है और पैन कार्ड नंबर भी देना कंपलसरी है यानी कि अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इसमें आवेदन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको इसका नंबर दे देना है। एग्जाम सिटी आप कहाँ पर रखना चाहते हो, जो सिटी यहाँ पर दी है इन सिटी में ही सिर्फ आपका एग्जाम होगा चाहे आप इस फॉर्म को किसी भी स्टेट से फिलअप कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको इनमें से कोई भी एक सिटी चूज कर लेनी है। अब आती है डिटेल्स फॉर कम्युनिकेशन यानी कि आपके प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी, तो आपको इस तरफ अपने प्रेजेंट एड्रेस की जानकारी देनी है जैसे कि मैं यहाँ पर आपको फिलअप करके बता रहा हूँ। अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो आपको एड्रेस लाइन 2 और 3, 4 का इस्तेमाल कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं ये जानकारी भर देता हूँ। फिर आता है सिटी विलेज, तो जो भी आपका सिटी है या फिर विलेज है आपको उसका नाम दे देना है। डिस्ट्रिक्ट आपकी जो भी है उसका नाम आपको एंटर कर देना है। स्टेट आपकी जो भी है वो यहाँ से आपको चूज कर लेनी है और आपको फिर अपने डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड मेंशन कर देना है। फिर आप इस तरफ देख पा रहे हो कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि आपका प्रजेंट एड्रेस और अभी जो आपने इस तरफ भरा है ये था आपका परमानेंट एड्रेस। सॉरी मैंने यहाँ पर शायद पहले बोला आपको कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस ये वाला है,
पर ये आपकी कम्युनिकेशन की जानकारी है। फिर यहाँ पर आप ये भी देख पा रहे हो कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। इसके ऊपर टिक करने के बाद ये जानकारी आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मैं यहाँ पर एक रैंडम नंबर देने वाला हूँ जो कि मेरा पर्सनल नंबर नहीं है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस नंबर पर कॉल मत कीजिएगा क्योंकि मैं नहीं जानता है नंबर किसका होने वाला है। तो चलिए ये नंबर मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। फिर आता है कन्फर्म मोबाइल नंबर। यहाँ पर जो भी नंबर आपने भरा है इस नंबर को आपको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। तो चलिए नंबर हमने यहाँ पर फिलअप कर दिया है। अब ये फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, नीचे आना है और फिर आप देखोगे ईमेल आईडी। अब यहाँ पर आपको अपनी वर्किंग ईमेल आईडी भी फिलअप कर देनी है। तो चलिए इस ईमेल आईडी को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। फिर जो भी ईमेल आईडी आपने यहाँ पर भरी है इस ईमेल आईडी को आपको दोबारा से डाल करके कंफर्म कर देना है। अब आता है अल्टरनेट ईमेल आईडी, यानी कि अगर आप इस ईमेल आईडी के अलावा कोई और ईमेल आईडी भी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर दे सकते हो। फिर आपको इस ईमेल आईडी को यहाँ पर कंफर्म भी करना होगा। अब चलिए नीचे आता है आई कंफर्म डैट दी एड्रेस एंड कम्युनिकेशन डिटेल्स आर गिवन अबो आर करेक्ट, तो आपको इसके ऊपर टिक कर देना है। ये टिक करने के बाद आप नीचे देखोगे एजुकेशनल डिटेल, तो चलिए यहाँ पर इस जानकारी को भरते हैं। सबसे पहले है टेंथ, यानी कि आपकी 10वीं की जानकारी, तो यहाँ पर दिया है कोर्स नेम, इसमें आपको कोई जानकारी भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर है स्कूल इंस्टीट्यूट कॉलेज, तो यहां पर आपके जो भी स्कूल या फिर कॉलेज का नाम है आपको उसको एंटर कर देना है, आपको पूरा नाम देना होगा। फिर आते बोर्ड काउंसिल यूनिवर्सिटी, यानी कि आपने कहाँ से की है तो आपको उस बोर्ड का नाम यहाँ पर दे देना है। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आपको एंटर कर देना है। फिर आते हैं ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर पास की थी अपनी 10वीं पास, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। 12वीं आपने कब की थी वो आपको यहाँ पर सेम तरीके से सेलेक्ट करना है, पर पहले इसके पहले आपको अपना कॉलेज नेम यहां पर देना होगा। किस बोर्ड से किया उसका पूरा नाम यहां पर देना होगा, मैं सिर्फ शॉर्ट में लिख रहा हूं। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आपको मेंशन कर देना है। सेम तरीके से आपको पासिंग ईयर यहां पर चूज करना है कि आपने अपनी 12वीं कौन से क्लास के में की थी। अगर आप 12वीं पास नहीं हो तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हो। फिर आती है दोस्तों एजेंटियल क्वालिफिकेशन, जो कि आपकी ITI है जो कि फिटेड रेट के अंदर होनी ज़रूरी है। फिर यहाँ पर इंस्टीट्यूट नाम आता है कि आपने किस इंस्टीट्यूट से किया, आपको उसका पूरा नाम यहाँ पर देना होगा। किस काउंसिल या फिर किस यूनिवर्सिटी से किया उसका नाम आपको देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं एक रैंडम नेम डाल देता हूँ। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आपको एंटर कर देनी है। और यहाँ पर आपको सेम तरीके से पासिंग ईयर भी चूज कर लेना है कि किस ईयर के अंदर आपने अपनी ITI कंप्लीट कर ली थी। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आती है एजेंटियल क्वालिफिकेशन डिक्लेरेशन, तो आपको यहाँ पर इनके नीचे राइट क्लिक कर देना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इन लाइन को पहले रीड कर ले, उसके बाद ही आप इनके ऊपर राइट टिक करें। बेसिकली ये बहुत जरूरी क्वेश्चन आपसे पूछ जा रहे हैं। फिर नीचे यहाँ पर आता है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फोटो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। पर जान लीजिए कि इसका फॉर्मेट JPG या फिर JPEG के अंदर रहना चाहिए और साइज 50KB से ज़्यादा फोटो का और सिग्नेचर का साइज 20KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और मैं आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाने वाला हूं। तो चलिए मैं यहां से एक इमेज सेलेक्ट करता हूं और यहां पर हम चलते हैं पिक्चर्स के अंदर और पिक्चर्स में यहां से हम इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। और ये करने के बाद आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी इमेज का जो नेम है वो आ जाएगा। फिर आपको अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अगर नीचे आओगे तो देखोगे कि आपका फोटो आ चुका है। फिर आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर लेना है। फिर सेम तरीके से आपको अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि आपका सिग्नेचर भी आ चुका है। फिर नीचे दोस्तों डिक्लेरेशन दिया है, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने सेक्शन के अंदर भरी है वो आपको एक बार अच्छे से चेक करनी है और फिर आपको यहाँ पर नीचे आकर के नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने अभी तक भरी है इन सभी जानकारी को आपको एक बार कन्फर्म करने का मौका मिल जाएगा। तो आपको एक एक करके सभी जानकारी को चेक करना है और अगर आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आपको नीचे आकर के इसके ऊपर आई कन्फर्म डैट ये मेरी ईमेल आईडी है और ये मेरा मोबाइल नंबर है, आपको यहाँ पर टिक करना है। और टिक करने के बाद अगर आप बिल्कुल श्योर हो तो तभी आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है, नहीं तो आपको एडिट के ऊपर क्लिक करके अपनी जो भी जानकारी आपकी गलत है वो एडिट कर लेनी है। तो चलिए मेरी जानकारी सही है, मैं यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे यू हैव कंप्लीटेड प्राइमरी रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन और आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है। इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मैसेज के माध्यम से भी भेज दिया है और ईमेल के माध्यम से भी। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर
आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना होगा जो कि अभी आपको मिला है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है जो कि अभी आपने रजिस्ट्रेशन करते समय इस्तेमाल की थी, और फिर आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट और एजेंटल क्वालिफिकेशन फाइनल मार्कशीट, यानी कि आपकी ITI की फाइनल की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करके 10th स्टैंडर्ड मार्कशीट पहले चूज करना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है। पर पहले जान लीजिए कि जो आपकी फाइल है उसका फॉर्मेट PDF के अंदर होना चाहिए, और यहाँ पर जो साइज है मैक्सिमम वो 100 KB रखा गया है। तो यहाँ पर मैं चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ और एक रैंडम इमेज अपलोड करता हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो फॉर्म है मैं डेमो के रूप में भर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर एक PDF फाइल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर यहाँ से मैं एक इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये करने के बाद आपको यहाँ पर ओपन कर देना है, और ओपन करने के बाद आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आपको सेम तरीके से एजेंटल क्वालिफिकेशन एंड फाइनल मार्कशीट चूज कर लेना जो कि आपकी ITI की होनी चाहिए। फिर आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और जहाँ पर भी वो आप फाइल आपकी मौजूद है उसको सिलेक्ट करके ओपन करना है, और इसके बाद आपको अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये फाइल भी आपकी अपलोड हो जाएगी। फिर आपको सिंपली यहाँ पर फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है, और करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे प्रोसेसिंग होगी ऑटोमेटिकली, और जो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुके हैं। अब आपको सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये है, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रजिस्टर्ड विद IOC थ्रू दी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। फिर आता है प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप आ चुकी है, और यहाँ पर आप लॉग आउट भी हो सकते हो। बेसिकली अगर कहा जाए कि ये तो आपका ये फॉर्म फिलअप हो चुका है, और इसमें आपको अन्य फर्दर स्टेप की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों बस ये थी आपकी IOCL साउथर्न रीजन अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में पूरी जानकारी, कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। आई होप ये जानकारी और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।